चलिए शुरू करते हैं आज अपना कौन सा फिजिक्स से टॉपिक पकड़े हैं किसके आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के अंदर जो एग्जाम हुआ था अपना 10-8 को, ठीक है। उसमें जो भी स्टेज वन के अंदर जो भी शिफ्ट वन शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री के अंदर जो भी क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे गए थे उनकी चर्चा। कोशिश हमारी कि आपको ज़्यादा ज़्यादा समझा सके, समझ जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा क्या कहना, चलिए क्या रहा है। जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। मान लीजिए एक माध्यम ये हमारा ये लाइन है बाउंड्री, ठीक है, इसके ऊपर हमारा कौन सा माध्यम है सघन, ठीक है, और इस बाउंड्री के नीचे हमारा है विरल। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम एक चलिए अभिलंब खींच लेते हैं, एक लाइट रे हमारा ऐसे आया, ठीक है। इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना कुछ ऐसे चाहिए था, यदि ये माध्यम नहीं होता तो ऐसे जाता एकदम सीधा स्ट्रेट, यदि माध्यम नहीं बदलता तो। लेकिन जाएगा कैसे, जो ही सघन से विरल में आएगा तो ये अविलंब से दूर जाता है, मतलब ये अब इसके जाने का तरीका ये रहेगा। तो यदि इसको आई मानते हैं तो ये हमारा आर माना जाएगा, तो इस केस में हमारा जो आर होगा वो ग्रेटर होगा किससे, आई से, मतलब अविलंब से दूर जाएगा। वही हमारी कहानी ऐसी होती कि लाइट रे आया और ये हमारा सघन के जगह पे क्या होता विरल, और नीचे वाला हमारा क्या होता, तो हमारी लाइट रे जाना कैसे चाहिए था यदि माध्यम नहीं बदलता तो ऐसे, लेकिन अब की बार कैसे जाएगा ऐसे। तो विरल से जब सघन में जाएगा, विरल से सघन में, तो अविलंब की तरफ जाएगा, जबकि यदि हमारा सघन से विरल में जाता तो अविलंब से दूर जाता है, ध्यान में रहेगा। ओके चलिए, तो हो गया भैया अविलंब की ओर, अविलंब की ओर बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन है, तो अविलंब की ओर तो नहीं जाता है तो मतलब इसकी कहानी खत्म, अविलंब से दूर जाता है, चलो ये ठीक है, अविलंब से दूर जाता है इसमें भी ठीक है, अविलंब की ओर जाता है भैया ये भी गलत, मतलब डी और ए तो गलत हो गया। नेक्स्ट कहता था धीमा हो जाता है और इसमें कह रहा है गति बढ़ जाती है, तो यहां समझने की कोशिश करेंगे म्यू जो होता है सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी के, मतलब वी होती है गति, तो यहां से कह सकते हैं वी के, तो यहां पर आप सोचोगे यदि म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो वी की वैल्यू क्या होगी कम होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें यदि हम बात करिए सघन है तो यहाँ पे म्यू वन यदि इसको मान लो और विरल को म्यू टू मान लो तो सघन के लिए म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, ठीक है। तो क्या दिख रहा है म्यू वन बड़ा है म्यू टू से, तो म्यू की वैल्यू घटी है कि बढ़ी है, म्यू की वैल्यू घटी है मतलब वेलोसिटी वी की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, एकदम सिंपल सा चीज़ है। और ये समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में, जितना माध्यम जैसे निर्वात होता है, ठीक है, लाइट रे जो जाती है वैक्यूम से या फ्री स्पेस से तो वहाँ सबसे ज़्यादा तेज होती है, और जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम मिलेगा उसकी स्पीड उतनी कम जाएगी। और ऐसे भी इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं म्यू की वैल्यू जितनी बढ़ेगी वी की वैल्यू घटेगी, म्यू की वैल्यू घटेगी तो वी की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ म्यू टू जो क्या है घट गया है, घट कम है ना इससे, तो स्वाभाविक है वी की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या हो गई गति बढ़ जाती है, ठीक है, दोनों में गति बढ़ जाती है अविलंब की ओर, अच्छा इसकी है ना, तो गति बढ़ जाती है, इसमें गति धीमी हो जाती है, तो गति क्या होती है बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा स्पीड क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, यदि ये इक्वेशन आपको याद है। और ये भी ध्यान रखिए कभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो म्यू की वैल्यू घटी तो वी की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, तो गति क्या हो जाती है बढ़ जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा, मतलब एक एक चीज क्यों, मतलब याद कर लेना आसान चीज है, बहुत आसान, लेकिन उसको समझ के याद करने से क्या होगा कि आपको कोई अलग क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो क्या होगा आप बना सकते हैं। वही इसकी बात करता किया जाता कि विरल से सघन में आएगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हुई है घटी है तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी, सीधा सीधी बात है, ये घटा तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू बढ़ी तो वेलोसिटी को घटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हमारा, देख लीजिए। चलिए इसका थोड़ा लीजिए आंसर, ये हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है जब किसी संकुचित स्ट्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऐसा वाला देखे होंगे मतलब मेला वगैरह में लगा हुआ रहता है, मतलब ऐसे ऐसे क्विंग क्विंग, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ रहता है। यहाँ पर जब ये सिकुड़ा हुआ है तो उसके में क्या है संचित ऊर्जा को क्या होता है स्थितिज ऊर्जा बोला गया, जो ही इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है इसमें एक वेलोसिटी आती है। तो वेलोसिटी आने का मतलब क्या है स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा मतलब कौन सा हो गया भैया गतिज ऊर्जा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का बी डी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका रूप नहीं है। जब आप साइकिल की सवारी कर रहे होते हैं तो आपके पास कौन कौन सी ऊर्जा में आप एनर्जी को रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, तो कह सकते हैं गतिज ऊर्जा स्वाभाविक सी बात है साइकिल की सवारी कर रहे होंगे तो इसके पास वेग वेलोसिटी होगा ही तो गतिज ऊर्जा तो होना ही होना है। दूसरा रासायनिक ऊर्जा, ऐसा कौन सा केमिकल लोचा हो जाएगा इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा, आप साइकिल की सवारी करते हैं तो आपकी बॉडी हीट हो जाती है खुद भी जानते हैं तो उसमें ऊर्जा होगा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों में से कोई भी रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास क्या रहेगा मैकेनिकल एनर्जी होगी ही यांत्रिक ऊर्जा होगी ही। तो मतलब नहीं पूछा जा रहा तो नहीं के लिए कौन होगा उसमें ऊर्जा, तो आंसर लीजिए कलर को चेंज करके इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा उसमें सॉरी उसमीय ऊर्जा कह रहे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। साइकिल की सवारी करते समय निम्नलिखित किस का रूप नहीं होता है, मतलब किस ऊर्जा का रूप नहीं होता है, तो रासायनिक ऊर्जा इसमें कहीं नहीं आता है, हीट आता है खुद देखते हैं बॉडी से हमारा क्या होता है हीट के कारण ही पसीना निकलता है हीट की बात है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, दोनों में से कुछ भी रहेगा तो मैकेनिकल पूरा होगा तो ये तो होना ही होना है। और गति आती है साइकिल चलाते समय तो वेलोसिटी तो होगा ही होगा, तो वेलोसिटी है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। अब याद होगा कभी आप बस पे चढ़े होंगे का एक कोई ड्राइवर ब्रेक मार दे तो क्या होती है आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, और यदि गाड़ी जा रही है और यदि ब्रेक लगा मतलब हाँ तो ब्रेक लगा दे गाड़ी जा रही है और आपको यदि कोई ब्रेक लगा देता तो क्या होता है आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, जैसे ये बहादुर पहले सीधा चुपचाप खड़ा था जो ही बस का ब्रेक लगा ये आगे की तरफ झुक गया। तो ये क्यों झुका, क्योंकि इसकी जो ये हाफ बॉडी थी यहाँ से ऊपर की ये पूरी की पूरी बॉडी एक्चुअली गति में थी, ठीक है, लेकिन जो ही ब्रेक लगा तो मतलब इसका पैर जो था किसके साथ चिपका हुआ बॉडी बस के सरफेस के साथ सतह के साथ, तो ये तो रुक गया लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं रुक पाया, वो गति में था और गति में ही रहना चाहा। इसके लिए किसके कारण ये हुआ हमारा इनर्शिया या जड़त्व के कारण, तो फोर्थ का बल ऊर्जा संवेग ये सब के कारण नहीं होता, ये किसके कारण होता है लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व के नियम को भी हम पढ़े हैं तो उसमें भी ये बताया जाता है कि भैया कोई यदि वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर पता ही है, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं, क्या देके रखा है भैया हमको भी देके रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वजन देके रखा है मतलब इसका मास देके रखा है कितना 0.5 किलोग्राम केजी, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 1/2 मास देके रखा है 0.5 और वेलोसिटी देके रखा है 4 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 0.5 इंटू इसका हो जाएगा 16, तो ये कट गया 8, तो ये हो गया 8×5=40 मतलब 4 जूल, तो 4 जूल हमारा किसका है 5 का, तो कुछ नहीं करना सीधा सीधे मतलब क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर का लगा दिए आपको ऑलरेडी एम की वैल्यू देख के रखा है
और किसकी वैल्यू देकर रखा है, वेलोसिटी की वैल्यू देकर रखा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 4 जूल। तो पांचवा का हमारा हो जाएगा बी, छठा ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो ओम का नियम क्या कहता है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, यही कहता है ना ओम का नियम। पढ़े थे, कब पढ़े थे, दसवां में भी पढ़े हैं, बारहवीं में भी पढ़े हैं। तो यदि कह रहा है आई को यदि बढ़ाया जाता है और विभवांतर भी को स्थिर रखा है, तो मतलब ये कॉन्स्टेंट रखा जाए, तो मान लीजिए एक ऐसा लेते हैं 10 बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 2, ऐसा लिख लेते हैं यदि, ठीक है ऐसा मान लीजिए लिख लेते हैं। तो 10 हमको इस साइड हमेशा 10 ही रखना है, ठीक है, तो इस तरफ हमको क्या करना है, आई की वैल्यू को बढ़ाना है। तो हम आई की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इसको स्थिर नियत रखने के लिए 10 का 10 ही रखेंगे। तो आई की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, इसको हम रखना चाहे तो आई की वैल्यू मान लो 5 से 10 कर देंगे, तो हमारा आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू इसको 1 करना पड़ेगा, मतलब आर की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तो प्रतिरोध को कम हो जाता है, सीधी सी बात है भैया। आर की वैल्यू कितनी हो गई, जब आई की वैल्यू को 5 से 10 किया मतलब बढ़ाए, तो आर की वैल्यू 2 से कहाँ पहुँच गई, 1, मतलब घट गई, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो छठा का हो गया ए, 7वां, ध्वनि हवा में इतने मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ध्वनि होता क्या है और चलता कैसे है। तो ध्वनि क्या करता है, जैसे जो भी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हमेशा ध्वनि के साथ फंडामेंटल चीज है कि वो आपको हमेशा माध्यम खोजेगा, बिना माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती है। साउंड के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या कहते हैं, मीडियम के लिए जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि उसको मीडियम चाहिए। तो मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल में डिस्टरबेंस पैदा करता है, मतलब एक जैसे यहाँ स्प्रिंग के तरीके से समझोगे, यहाँ जो ही जैसे इस स्प्रिंग को दबाया गया तो क्या कि ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। और दूसरा चीज, चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो, ध्वनि हो या प्रकाश हो, वैसे पार्टिकल कहीं भी नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ देखोगे, यदि ये पार्टिकल है तो ये यहाँ से यहाँ इतने ही एरिया में भटक रहा है, पार्टिकल कभी भी नहीं जा, वेव जरूर जा रहा है लेकिन पार्टिकल कभी नहीं जाता है। उस तरह यदि लाइट वेव की बात करेंगे तो लाइट वेव में पार्टिकल ऐसे मोशन में आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जबकि साउंड में पार्टिकल ऐसा आगे पीछे करता है, ध्यान में रहेगा। चलिए तो क्या करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें देख रहा है, कहीं पे क्या था पहले जहाँ रेयर था, कम लोग थे, वहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए तो डिस्टर्बेंस पैदा किया, तो डिस्टर्बेंस के कारण होता है अशांति पैदा करता है। और भी कुछ चीज़ें याद रखते हैं, ध्वनि हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब ये हमारा किस वेव तो है लेकिन इसका अलग अपना नाम है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लंबाई के हिसाब से ये चलता है। दूसरा चीज़, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, जैसे सॉलिड में रहेगा तो साउंड सबसे ज़्यादा तेजी से चलेगा, जबकि लिक्विड में उससे कम और जबकि गैस में उससे भी कम। जैसे ट्रेन का सुने होंगे, ट्रेन की आ रही है या नहीं आ रही है, भले दिख नहीं रहा हो, ठीक है, उसका हॉर्न का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन पटरी पे कान लगाने से क्या होता है, शायद सुनाई दे देता है। ओके, हमने तो लगाया नहीं है, सुने है ऐसा, तो क्यों, क्योंकि सॉलिड में साउंड तेजी से चलता है, तो ऐसे एयर से पहुंच नहीं पाया अभी तक, लेकिन सॉलिड के अंदर से पहुंच गया है, इसलिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, द्रव्य में और गैस में उससे भी कम। तीसरा, जो हम लोग साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है, जो भी ध्वनि हम लोग सुनते हैं उसकी आवृत्ति जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और नॉर्मली कहीं भी ये इसकी चाल होती है हवा में 343.2, कहीं कम भी, किसी बुक में कहीं ज़्यादा भी लिखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल 343 होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, तो क्या क्या ध्यान में रखना है, मीडियम अलग अलग, तो साउंड की स्पीड भी अलग अलग, चाल भी अलग अलग, हवा में क्या स्पीड होती है और जो हमारी सुनने की कैपेसिटी है, जो हम सुन सकते हैं वो होता है 20 हर्ट्ज, आवृत्ति उसकी 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। और इसका कौन सा वेव होता है, ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होती है या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं इसको। ये सारी चीज़ें आपको भले यहाँ कुछ पूछा, आगे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्यों होता है, ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और याद रखेंगे हमेशा ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में या फ्री स्पेस में कभी साउंड एक जगह से दूसरे जगह, जैसे ये कहते हैं जो हमारे मतलब
निर्वात में आप यदि चले जाओ, मतलब स्पेस में चले जाओ, एक जगह से दूसरे जगह वाले बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करता, एक जगह से दूसरे नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है, खाली है। तो डिस्टर्बेंस तो कह सकते हैं हमारा अशांति। नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पूर्व किधर है भैया? इधर होता है पूर्व। चलिए पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, तथा दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? आप यहां खड़े हो जाओगे, दाएं का मतलब आपका ये, और कितना चला दाईं ओर मुड़ के? सीधा चलो भाई, हाँ, दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है, चल दिए, ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। इधर खड़े होंगे दाया, इधर तो बाया, इस तरफ ऐसा, तो वो बाईं मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति अब अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है? आरंभिक स्थिति ये था इसका, और पहुंचा कहाँ? यहाँ। तो ये इसकी दिशा होगी, तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा देखते हैं कौन सा है, दक्षिण पूर्व दिशा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8वां का ए। उम्मीद है समझ में एकदम आसान सा था, पूछ रहा है आप इस डायरेक्शन को याद रखेंगे, किधर कौन सा, पूरा पश्चिम उत्तर रखी, बाकी तो उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व के बीच में जो है वह उत्तर पूर्व कहलाएगा, पूर्व और दक्षिण के बीच में होगा वो दक्षिण पूर्व कहलाएगा, एकदम इजी है। चलिए अब शिफ्ट टू पे आते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन आपको शिफ्ट वन में पूछा गया था, शिफ्ट टू पे आते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि का पिच इसके डैश पर निर्भर करता है, ध्वनि का पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसका पिच उतना ज्यादा होगा। और पिच के कारण ही क्या होता है कि किसी की आवाज मोटी या तीखी के होती है, किसके कारण? उसके ध्वनि के पिच के कारण। और कह सकते हैं जैसे बच्चों और महिलाओं की पतली आवाज किसके कारण होता है? क्योंकि उसकी पिच अधिक होती है, ध्यान में रहेगा। तो आवाज का पतला या मोटा होना उसके पिच पर निर्भर करता है। महिलाओं या बच्चों का आवाज पतला क्यों होता है? क्योंकि उसकी पिच अधिक होती है। तो कह सकते हैं ध्वनि की पिच किसके ऊपर निर्भर करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आवृत्ति के। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 10वां, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? देखिए गति के अपन 3 संबंध की बात कर लेते हैं, ये पहला संबंध, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला संबंध हमको वेग मतलब वेलोसिटी और समय के बीच में दिखाता है संबंध, मतलब वेग और समय के बीच का, तो पहला पूछ रहा है। दूसरा जो बताता है वो स्थिति मतलब पोजीशन और समय के बीच का संबंध दिखाता है, तीसरा वेग और स्थिति के बीच का संबंध दिखाता है। तो हमसे यहाँ पहला पूछा जाता है किसके बीच का होगा? वेग और समय। तो वेग और समय वेलोसिटी एंड टाइम। तो 10th का हमारा हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? ये गोलाकार दर्पण है, इस दर्पण को कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण, और ऐसा जो रहता है इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इस साइड से कलाई किया हुआ है, ठीक है, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है इसको कहा जाता है ध्रुव, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव कहा है, या ध्रुव कहो या पोल कहो, ठीक है। अब इसमें और भी सब चीजें होती है याद रखने के लिए, जिस सर्कल का ये एक हिस्सा है, ठीक है, जिस वृत्त का एक हिस्सा है उसके केंद्र को इसका कहा जाता है वक्रता केंद्र, इसके आधी दूरी को कहा जाता है उसका फोकस। उसी तरह इसमें आपका वक्रता केंद्र इस वाले लेंस में इस तरफ होगा, जबकि इस वाले में दर्पण में दाहिने तरफ होगा। तो ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पे अप्रोक्स फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र और फोकस में क्या संबंध होता है कि हमारा होता है आर इक्वल्स टू 2f। एक क्वेश्चन हम लोग शायद पहले वाले वीडियो में बनाए भी थे आर इक्वल्स टू 2f पे। तो आर इक्वल्स टू 2f मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ओके, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, वहाँ के सब नाम लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पोल। चलिए आते हैं 12 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का नियंत्रित करने वाले नियम दिया था? यूनिवर्सल है, कूलम्स लॉ, दो आवेशों के बीच बल को बताता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मतलब आर होता है दोनों के बीच की दूरी और आवेश क्यू वन क्यू टू,
और इसको और भी लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, k बराबर होता है 1/4πε0 इंटू q1 q2 r2। ठीक है, तो किन्होंने दिया था, चार्ल्स कूलम्ब 12 का ए। नेक्स्ट, निर्वात प्रकाश का वेग कितना होता है, ये तो आप याद ही कर लो, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो याद तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये याद ही रहेगा। थोड़ा सा और इसके बारे में ज्ञान बढ़ाते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, अभी जस्ट हम जब साउंड की बात करें तो उसमें याद हुआ कहे थे कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब आगे पीछे ऐसे ऐसे चलता है, जबकि प्रकाश क्या होता है, ऊपर नीचे। पीछे भी जस्ट एक वीडियो में यहाँ देख सकते हैं, ये लाइट का वेव है, इसमें जो पार्टिकल है, देखिए इस लाइन के ही ऊपर नीचे जा रहा है, वेव जरूर आगे जा रहा है। ठीक है, वेव इस तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन जो ये हमारा पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे एक ही जगह कूदते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हैं, तो वहाँ पानी नहीं कहीं आगे जाता है, पानी अपने जगह पे ऊपर नीचे कर रहा होता है, वेव आगे जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हमारा पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे करते हैं और वेव आगे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, वेव आगे जाता है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो इसके बाद थोड़ा सा और चीज़ जानते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव होता है हमारा, कौन सा, लाइट वेव जो होता है, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, और प्रकाश को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कह सकते हैं। प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश रंग उसके तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के कारण होता है, जैसे लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि बैगनी रंग का सबसे कम होता है, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। अब आता है एक वर्ड आता है प्रकाश वर्ष, लोग को ऐसा लगता है प्रकाश वर्ष सुन के कि ये प्रकाश का ही कुछ मात्रक वात्रक होगा, ऐसे पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यह प्रकाश लिखा हुआ तो मतलब ऑप्शन में दे दिया प्रकाश, प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक नहीं होता, वो दूरी का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, दूरी का। और होता है क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, वो कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10⁵ मीटर पर सेकंड, नहीं भैया, ठीक है, 9.46×10⁵ मीटर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगी वही कहलाता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, प्रकाश का रंग किसके कारण आता है, उसके तरंग दैर्ध्य के कारण, वेवलेंथ के कारण। नेक्स्ट, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश का नहीं दूरी का मात्रक होता है, मतलब होता है एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगी वही क्या कहलाएगा, उसका एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा, जिसका मान होता है 9.46×10⁵ मीटर, तो मीटर। ठीक है, तो आंसर तो पहले ही आ चुका था अपना 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट कह रहा है एक्स गाड़ी चला के दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, दक्षिण किधर है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे जाता है, मतलब लो ऐसे गया कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जाने दो क्या जाता है, और दाहिने मुड़ जाता है, दाहिना इसका किस तरफ होगा, ऐसे जाएंगे तो दाहिना इस तरफ होगा, तो इधर मुड़ जाता है, जितना चलता है ये भी चलता है 30, बहुत सुंदर बात है। सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब इसका दाहिना इधर होगा, नीचे की तरफ बायां होगा, लो और चलता कितना है बाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और पुनः बाईं ओर, दायां इधर बायां उधर, मतलब ऐसे सोच के देखो, यहाँ पे आप खड़े हो तो दायां आपका कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, तो ये दायां ये बायां, तो बाईं ओर पुनः बाईं ओर मुड़ के 30 किलोमीटर चलता है, मतलब चलिए यहाँ पहुँचा चलता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कितनी दूरी पे है, ठीक है, तो ये हमारा कितना है, ये 30, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 20, मतलब 30 और 20 50 क्या है किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का सी। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट की, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो मैकेनिकल एनर्जी, वो जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कहा जाता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ जब हाइट पर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ
एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एम जी एच, मतलब किसी को ऊंचाई के कारण जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। यह हाइट हो गया ऊंचाई के लिए और वेलोसिटी के लिए वी। तो क्या है यांत्रिक ऊर्जा जो होता है मैकेनिकल एनर्जी गतिज और किसका संयोजन होता है, गतिज मतलब ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, तो कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया, तो अपन चारों का देख लेते हैं। तर्क शक्ति का, लॉजिक का अरस्तु ने दिया था, ज्यामिति किसके ने दिया था ज्यामिति का, ज्योमेट्री का हमारे दिया था यूक्लिड्स ने, और गणना मतलब हमारे कैलकुलस में किसका योगदान सबसे अच्छा था न्यूटन साहब का, तो गणना। अब बीजगणित का तो अपन देख ही रहे हैं, ठीक है, मूसा अल, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखा में से किसका आविष्कार किया गया था, स्वाभाविक से कैलकुलस की बात की जाती है न्यूटन में, ओके। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, 16 हो गया, 17 विद्युत आवेश का ऐसा इकाई क्या होता है, विद्युत आवेश का, चलिए सबका देखा था वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या विवांतर, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, करंट का आई का, कूलम्ब होता है आवेश का, और ये होता है हमारा रेसिस्टेंस प्रतिरोध का। तो किसका पूछा जा रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है, कूलम्ब होता है, इजी। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित ग्राफों में से कौन किसी कार की एक समान गति को दर्शाता है, एक समान गति का मतलब क्या होता है कि उसकी गति समय के साथ बदल ना रही हो, ठीक है, एक समान गति का मतलब अभी आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो यहां से अमेरिका को, तो एक घंटे के बाद भी आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 ही होनी चाहिए, मतलब 1 बजे आपकी स्पीड 40 है तो 1:10 पे भी 40 हो, 1:40 पे भी 40 हो, 1:50 पे भी 40 हो, मतलब कभी भी देखो सेम, तो मतलब क्या कहा जाएगा उसको, एक समान गति। अब चलिए पहला ग्राफ को देखते हैं, 0 पे तो हमारा क्या था ये बहादुर, इसकी चाल कितनी थी 0, जो ही चौथे सेकंड पे आया तो इसकी चाल क्या हो गई, थोड़ी सी ऐसी हो गई, मतलब चाल बढ़ गई, मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, मतलब एक समान गति नहीं रही। इसकी बात करें, यहां से हम बात करेंगे इसकी, तो 40 पे इसकी गति जो थी, मतलब इस वाले टाइम पे जो इसकी कितनी स्पीड थी 40 थी, जो टाइम बढ़ा 2 वाले सेकंड पे गए तो भी इसकी स्पीड कितनी है 40 है, यहां गए तो भी इसकी स्पीड कितनी है 40 ही है, इसकी गति नहीं बढ़ी, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, एक समान गति। इसमें भी चले 2 सेकंड पे तो इसकी गति इतनी, 4 पे इसकी गति बढ़ गई, 8 पे गए इसकी गति और बढ़ गई, मतलब ये भी नहीं, इसमें तो और एकदम झकाझक दिख रहा है। 10 वाले पे कितना, लगभग 25 के आसपास, जो ही 20 पे सेकंड पे गए तो हमारा कितना 45 के आसपास, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, ये हमारा वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, जिसमें वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा वही ग्राफ अपना होगा, इसमें वेलोसिटी बदल रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कहाँ गया भैया, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, तो एक समान गति ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो हुआ कौन सा, आंसर बी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है, तो ये हमारा गलत कह रहा है ना, तो मतलब ये तो अपना गलत है, तो भैया गलत तो यही, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये तो गलत बात है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, होता है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, होते हैं, ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होता है, मतलब अभिलक्षित गुण में असंपीडनीयता का और दृढ़ता तथा यांत्रिक सामर्थ्य, ओके। तो असंपीडनीय का मतलब है कि उसको यदि कंप्रेस किया जाए तो जल्दी, मतलब मान लो एक लोहे का टुकड़ा है उसको दबाएंगे दोनों साइड से तो क्या तुरंत पिचक जाएगा, नहीं ना, यदि बैलून रहता तो स्पंज रहता तो पिचक जाता, तो वही ठोस, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का ए। 20 पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, हम लोग क्या जानते हैं कार्य,
वर्क इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा। यदि आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे तो, या इसी को बोला जाता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, फिजिक्स के हिसाब से लेंगे तो एफ एस कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा क्या घूम रहा है भैया, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है और चंदा मामा चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो चंदा मामा पर बल कैसा लग रहा होता है और ये चलता किस तरफ है, इसका विस्थापन किस तरफ होता है, इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। डिटेल में जाओगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा का मतलब है एफ और एस दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो थीटा। तो यहाँ पे एफ एस और कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, पता है। तो कॉस 90 जीरो, तो मतलब ये पूरी कहानी क्या बन गई, जीरो, तो कोई काम नहीं होता है, तो शून्य हो जाएगा। या कह सकते हैं बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल इस तरफ लगता है, घूम चक्कर लगाने में यही होता है ना, तो अब उस दिशा में तो कोई काम हो नहीं, उसके लंबवत दिशा में काम हो रहा है, तो लंबवत दिशा, इसके वजह से अपना एफ एस कॉस थीटा। ये याद रखिएगा, आपको फिजिक्स में वर्क के टर्म में आपको ज़्यादा आसानी होगी एफ एस कॉस थीटा को यूज करने में, एफ और एस के बीच, मतलब एस मतलब दूरी, एफ मतलब बल। इक्कीस, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, वाहन का हेडलाइट, हेडलाइट देखिए जो जिससे रोशनी निकल रही होती है ना उसको हेडलाइट कहते हैं। तो वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और भी टर्म्स याद रखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग होता है सर्च लाइट या टॉर्च में, टॉर्च यहाँ बल्ब लगा रहता है, पीछे पीछे खोपा रहता है ना, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ रहता है, तो ये कैसा होता है, वो अवतल दर्पण होता है हमारा। वाहनों के अग्रदीप बोलिए या हेडलाइट बोलिए, सेविंग मतलब हजामत में जो लोग दर्पण का यूज करते हैं हम लोग, वो भी हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। कान आँख नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो लोग किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। सौर कुकर या परावर्तक दूरबीन जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो हमारा हेडलाइट में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का। तो आंसर क्या हो जाए कि इसका डी। जीरो पॉइंट वन किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्व बल के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, ठीक है। तो हमको क्या कार्य क्या होता है, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। चलिए मान लो ये हमारा बहादुर है, ये कितना 2 मीटर से इसको गिराया जा रहा है, तो कार्य यहाँ पे हमको कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य निकालने के लिए बल गुने बल की दिशा में विस्थापन की बात करें तो बल इस पर कितना लग रहा होगा, एम इंटू जी, और विस्थापन कितने का है, 2 मीटर का है, तो कह सकते हैं एम जी बल हो गया और विस्थापन कितने का है, चलिए इसको h मान लेते हैं, mg h। तो m की वैल्यू कितनी दे के रखी गई है, 0.1, g की वैल्यू कितनी दी गई है, 9.8, और h कितना है, 2 मीटर। ये कितना हो गया हमारा, कह सकते हैं 0.98 इंटू 2, ये हो गया आर दुनी 16, चलो मिट जा भाई, आर दुनी 16, 18 एक 19, 1.96 जूल। चूंकि बहादुर को जाना भी इसी तरफ है और बल भी इसी तरफ लग रहा है, तो दोनों एक ही तरफ लग रहा है, इसलिए पॉजिटिव, यदि उल्टा होता तो बात अलग होती, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.96 जूल। एकदम आराम से समझ सकते हैं, या ऐसे भी कहते हैं चूंकि हाइट के कारण है तो वर्क यहाँ पे क्या स्थितिज ऊर्जा का बन जाएगा, MgH हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, उसको भी लगा सकते थे। 22 का ए। 23, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है, गति का पहला समीकरण ये था, ये हमारा दूसरा, ये किसके बीच में, स्थिति और समय, स्थिति या स्थान कह सकते हैं, और समय, स्थान और समय, पोजीशन एंड टाइम। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24, कूलम्ब का नियम क्या कहता है, कूलम्ब का नियम किसके बीच में लगता है, चलिए देख लेते हैं। कूलम्ब का नियम कहता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, ये कूलम्ब का नियम कहता है। कहते हैं दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया गुणनफल के तो समानुपाती होता है, ये खत्म। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल परिणाम
परिणाम आवेशों की मात्रा, सॉरी परिवेश लिखा हुआ है, आवेश यहाँ पे होगा, आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपातीय, आवेशों की मात्रा के गुणन करना, बात खत्म। दूसरा, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुपात अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सही बात है भैया, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सी। और लास्ट में क्या कहते हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल परिणाम दो आवेशों की मात्रा के साथ साथ उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, यहाँ अनुक्रमानुपाती, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णित करें कि उक्त वाक्य में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। जैसे भार भी एक प्रकार का बल है, ठीक है, वाक्य हमको दिया, मतलब इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। भार की इकाई न्यूटन होती है, सही बात है। भार की इकाई किलोग्राम होती है, भैया किलोग्राम भार की इकाई नहीं होती है, द्रव्यमान की इकाई होती है। तो कह सकता है निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, भैया नहीं करते हैं, दूसरा तो नहीं करता, निष्कर्ष ए और दो दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, गलत बात, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, सही बात है भैया, सिर्फ एक अनुसरण करता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, सी। 26, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है, पूरा पश्चिम, चलिए पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है, उसी दिशा में 100 किलोमीटर चलता है, चल जाओ भैया 100 किलोमीटर, बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब दाईं ओर का मतलब इस तरफ मुड़ जाता है और 100 किलोमीटर फिर से चलता है, ठीक है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ के 50 किलोमीटर चलता है, दायां बायां, तो बाईं ओर मुड़ के 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा में सम्मुख खड़ा है, शुरुआती बिंदु यहाँ और यहाँ वो अभी फिलहाल खड़ा है, तो इसकी दिशा कैसी होगी, इसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम की दिशा यही है ना, तो उत्तर पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 26 का डी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर, और हमको लगता है ये आप लोग मैथ्स वगैरह में भी पढ़े होंगे, तो आसान है समझना, वहाँ भी आपको ये बताया गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एक मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं, एक मीटर, देखिए ये टेबल याद रखिए, फिजिक्स को आपको अच्छे से याद रखना, तो ये बहुत जरूरत पड़ने वाला है इसका, तो एक मीटर में कितने किलोमीटर, तो एक मीटर बराबर कितना किलोमीटर, यही पूछा जा रहा है ना, तो हमको जब निकालना होता है एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, 1 मीटर बाई किलोमीटर, तो 1 मीटर का मीटर, और किलो का मतलब कितना होता है, देखिए यहाँ कितने किलो, ये किलो मतलब 10^3, तो 10^3, और मीटर का मीटर, मीटर से मीटर साफ, मतलब 10^-3, ये भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/1, 2, 3, मतलब 0.0001, ये नहीं होगा, 0.001, ठीक है, तो 0.001 कौन सा होगा ये, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सी, या ये रहता आंसर तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और ये नहीं है, ये है तो ये भी लिख सकते हैं, अब इसको 1000 से गुना करोगे तो क्या होगा, वापस से हमारा कितना बन जाएगा, 1 बन सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 27 का सी। तो इस टेबल को याद रखिए, बराबर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 11th में आपको याद करवाया गया होगा, और 11th में तो याद करना, तो थोड़ा सा याद रखिए, ऐसे देखा है तो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, उसके बाद इधर से डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो, और पावर देखिए तो क्या 1, 2, 3, 3 के बाद 6+3 जुड़ गया, फिर 9 के बाद 3 जुड़ के 12, 12 के बाद 3 जुड़ के 15, 15 के बाद 3 जुड़ के 18, उस तरह इसमें देखिएगा तो -1, -2, -3, फिर -3 घट गया तो -6, फिर -3 घट गया -9, ऐसे ही चला है। तो एक बार याद कर लीजिए, देखा है तो किलो मेगा गीगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, और सबको उंगली पर गिनते रहिए बैठ के। नेक्स्ट क्या है भाई, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग,
चलिए अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है। आप लोग जितना पहले वीडियो को प्यार दिखाए बहुत अच्छा लगा, एक्सपेक्ट नहीं था लेकिन उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।